प्रदेश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण फिलहाल जारी है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस में कई तरीके की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इसमें शर्तों के साथ पान की दुकानें भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद राजस्थान पान मर्चेंट संस्था ने इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं जयपुर शहर में अब सभी प्रमुख पान भंडार भी खुलते नजर आए। इसी के साथ पान भंडार संचालक भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तमाम बातों का ध्यान रख रहे हैं। जयपुर के मोती डूंगरी स्थित पान भंडार की दुकानों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है, तो वहीं सरकार की ओर से लगातार चौथे चरण में छूट दी जा रही है। तो लंबे समय से बंद पड़े जो पान की दुकान थी वो अब सरकार ने खोलने के आदेश दे दिए। तो अब राजधानी जयपुर में भी पान की दुकानें खुलने लगी। हालांकि कल कुछ दुकानें खुली थी तो कुछ बंद भी थी, तो आज जो है धीरे धीरे लगभग जो सभी पान की जो प्रमुख स्टोर है वो अब खुलने लगी है। तो हमारे साथ राजस्थान पान मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी है, उनसे बात करते हैं। सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, लंबे वक्त तक जो है बंद रही दुकानें, रोजगार पर भी संकट था, तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गरीब पान वालों की बात को सुना और समझा और कम से कम हमें रोजगार उपलब्ध करवाया। दो माह से पान वालों की पीड़ा इतनी दयनीय हो गई थी कि उनको एक राशन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इज्जत के मारे वो खाद्य सामग्री जो सरकार के द्वारा दी जा रही थी वो भी प्राप्त नहीं कर रहे थे और दुकानों में जो रखा हुआ माल था वो समस्त माल सड़ गया। अब जाके उन्होंने राहत दी है, तो धीरे धीरे इसको कंटिन्यू लागू होने में करीबन 8 दिन का समय लगेगा। तब तक हम इस चीज़ को संचालित करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी नियम है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके तहत ही हम पान का वितरण करेंगे। ना किसी को हम धूम्रपान करने के लिए माचिस उपलब्ध कराएंगे और पान भी हम पैकेट बांध के और देंगे उनको यहाँ खाने के लिए। सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या और भी कई तरह के जो नियम सरकार ने जारी किए हैं उसकी पूरी पालना करने को तैयार है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो स्टाफ है यहाँ पर पूरी तरीके से मास्क और जो है ग्लव्स में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं अंदर एंट्री होगी। खास बात है यहाँ पर जो एक कर्मचारी को लगाया गया है सैनिटाइजर और मास्क रखा गया है। जो भी ग्राहक आएगा उस ग्राहक को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, यहाँ ही रोक दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये पान तैयार किया जा रहा है, हम अभी अंदर से भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो पान खरीदने के लिए आई हुई है, तो इनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पान अंदर तैयार किया जा रहा है, अंदर का भी नज़ारा दिखाना चाहेंगे, अंदर किस तरीके की सावधानी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अलग अलग पान तैयार किए जा रहे हैं। इसमें आप जो है ग्राहकों को जो है खास तौर से बात है कि पैकिंग करके ही दिया जा रहा है और दुकान के अंदर नहीं आने दिया जाए, बाहर ही खड़ा किया जा रहा है और बाहर भी पूरी सेफ्टी के साथ। इसके अलावा अगर यहाँ पर पेमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है, पेटीएम हो चाहे गूगल हो, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए। आप सकते हैं सैनिटाइजर भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम कर्मचारी जो है वो पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण है वो न फैले। हमारे साथ पान दुकान के मालिक भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं किस तरह की सावधानी? जी सर, मैं 2 महीने लंबा इंतजार, क्या कहना चाहिए? सर हमारे 2 महीने से जो दुकानें बंद थी, हमारे रखा हुआ सामान था, इसमें जो सारी सामग्री सड़के खराब हो गई। अब 2 महीने के बाद हमारे को इजाज़त मिली तो हमने नया सामान खरीद कर और वापस से शुरुआत की है बिजनेस को और इसको ऊँचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारी तरफ से सावधानी पूरी तरह से बरती गई है, जैसे ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया, मास्क का इस्तेमाल किया, कैप का है, सैनिटाइजर वगैरह, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है ताकि कोई भी कस्टमर को असुविधा नहीं हो और हमारे को भी असुविधा नहीं हो, कोई कोरोना से मतलब कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। कोरोना को लेकर कोई पान में कोई क्वालिटी या किसी प्रकार का और बदलाव किया गया है कि पहले कौन से पान मिले थे या ऐसा कुछ है? सर हमारी दुकान पर कम से कम 110 तरह के पान उपलब्ध हैं और पान एक ऐसे औषधि जो कोरोना में खाने से इसमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। पान में कई गुणवत्ता होती है जो शरीर में अपने जो इसमें कई प्रकार की औषधियों की तरह काम करता है। पान का पत्ता खाने से जो ये मीठे पान होते हैं, सादा पान होते हैं, बहुत औषधि की तरह काम करते हैं। गुलकंद होता है, पेट के लिए लाभदायक होता है, इसमें जैसे नारियल बनता है, नारियल डलता है, गुलकंद है, वो सब तरह के फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं इसमें। सब तरह की फ़ायदेमंद होता है पान, कई तरह की पान है इस दुकान के अंदर, करीब 110 तरह के पान यहाँ पर उपलब्ध है। और इनका कहना है कि पान में कई क्वालिटियाँ ऐसी है जिससे अपनी स्वास्थ्य की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है।
तो इस तरीके से पान संचालकों के लिए एक बड़ी राहत राज्य सरकार की, तो ये मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं। 2 महीने का लंबा इंतजार, क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने से अभी तक पान की शॉप खुली नहीं है, अब 2 महीने बाद खुली है, तो हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है। यहाँ पे भी जो गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, अच्छी बात है। यहाँ पे भी पूरी सैनिटाइजिंग वगैरह फैसिलिटीज रखी गई हैं, सेफ्टी के साथ यहाँ पर सब तरीके का ख्याल रखा जा रहा है। तो राजधानी जयपुर के अंदर जो पान के शौकीन लोग हैं वो अब जो है खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अब जो है पान की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। तो वहीं पान संचालक भी पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ में इस कोरोना को हराने के लिए सरकार के द्वारा जो जंग लड़ी जा रही है इसमें साथ देने को तैयार है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।